बेगूसराय जिले अंतर्गत कांवर इलाके में पारंपरिक खेती का दौर पिछले कई दशकों तक चलता रहा। यह इस इलाके के किसान गन्ना या फिर मक्का ही उपजा पाते थे। अब ऐसे इलाकों में भी मछली पालन शुरू हो गया है। दरअसल जिले के छौराही प्रखंड के रहने वाले मदन जी यहाँ के किसान हैं, जो कि मछली पालन कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये बताते हैं कि आर्थिक रूप से काफ़ी गरीब है, इनके पास मात्र 5 कट्ठा ही ज़मीन था। कांवर बहियार की ज़मीन की ये भी कहानी है कि बरसात के दिनों में यहाँ जल जमाव हो जाता है, तो उसमें परेशानी होती थी। तो 5 कट्ठे की ज़मीन में ही इन्होंने मछली पालन शुरुआत किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से मछली पालन किया जा रहा है, और जो इसके मेढ़े हैं उस मेढ़ पे आर पे जो है सेब की भी खेती की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसे ही प्रगतिशील किसान देश की ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। हमारे साथ मदन जी हैं। कहाँ से आइडिया आया खेती करने का? अन्नदाता से आइडिया आया। फिर अन्नदाता को आपने देखा कि मछली पालन शुरू किया, कितने कट्ठे में कर रहे हैं? 5 कट्ठे में है लगभग। कितना मछली का साल भर में उत्पादन कर लेते हैं? इसमें लगभग 3,000 पीस हम जीरा डाले हैं। हाँ। तो लगभग 30 क्विंटल उत्पादन होने का अनुमान है। पहले साल कितना उत्पादन हुआ था? अभी तो कल्चर नहीं निकाले, लेकिन 30 क्विंटल का जो है ना, सो इसका एवरेज जो है 30 क्विंटल उत्पादन होगा। बीज कहाँ से लाए थे? बीज लाए थे दरभंगा बहेरी से, हमारे यहाँ लोकल में यही है हैचरी, वहीं से लाए थे। अब इसके बाद सेब की मछली के अलावा आर पर जो सेब की खेती करी, इसके लिए कहाँ से प्रशिक्षण मिला था सेब की खेती के लिए? ये तो कृषि विभाग से प्रशिक्षण दिया गया था और पौधा हम लोग को उपलब्ध कराया गया पहली बार, तो हम लोग को तो ऐसे विश्वास नहीं हुआ जो हमारा इलाके में भी सेब फल सकता है। तो फिर हमने विश्वास करके सोचा चलो एक बार लगाया जाए, आजमाया जाए करके। कितने पौधे को लगाए हैं? लगभग हम 100 पौधा लगाए हैं अभी। तो एक पौधा में सेब फल रहा है? हाँ, अभी पहला साल है, फला हुआ है। ऐसे कहा जाता है कि जो सेब की जो यहाँ की हरमन 99 वेराइटी भी है, वो 2 साल से 3 साल के बाद सेब दे रहा है। यहाँ पहली बार सेब का उत्पादन हो रहा है, पहले बार आपके पेड़ में सेब का? पहले बार में फला ना, पहले साल में। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, हम लोग को कल्पना नहीं किए थे जो इतना टेम्परेचर में और इतना अच्छा फलन हो पाएगा। एक पेड़ में कितना सेब होने का अंदाजा है आपको किसान है? अभी लगभग 10-15 किलो हो जाएगा। तो अभी ग्रोथ पेड़ का पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अच्छी होगी और अच्छी उत्पादन का संभावना। कमाई की बात की जाए तो सेब से कितनी कमाई हो जाती है? सेब से लगभग 50,000 रुपया हो जाएगा साल में। सेब के लिए जो पानी यहाँ के मछली टैंक की बात की जाए, जो पानी दे रहे हैं, पानी का कैसे व्यवस्था की है? पानी का ड्रिप इरीगेशन हमको कृषि विभाग से सब्सिडी पर दिया गया था। कुल लागत कितना लगा था मछली पालन करने में? मछली पालन करने में हमको लगभग पोखर बनाने में, अपना गाड़ी से बनाए थे, 25,000 पोखर बनाने में लगा था और पोलोथीन वगैरह डाले थे। लगभग जो है सो 50,000 का खर्च मोटा मोटी पहला साल हमको हुआ है। सालाना कितनी कमाई हो जाती है? कमाई इससे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया आ जाएगा सालाना मछली पालन से। खाना में तो जब छोटा मछली था तो एक आध बड़ा फीड दिए, उसके बाद हमको कॉस्ट बढ़ने लगा, तो हम जो है सो डकवीड और अजोला का पालन किए हुए हैं, और ये 12 मासी जनेरा रोपे हुए हैं। तो एक टाइम का जनेरा देते हैं और एक टाइम का अजोला और डकवीड मिला के देते हैं। लागत मूल्य कितना लगता है? लागत मूल्य हमको इसमें कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ पाले हुए हैं, जनेरा में भी पानी देते हैं होता है, और डकवीड भी 24 घंटा में मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको निकाल के देते हैं, हमको कॉस्ट जीरो हो जाता है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से बेगूसराय जिले के किसान अब मछली पालन कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि News18 पर दिखाए जा रहे अन्नदाता प्रोग्राम से प्रभावित हुए और उन्हीं से प्रशिक्षण लेकर इन्होंने मछली पालन की शुरुआत की। बेगूसराय से News18 के लिए नीरज कुमार।